हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अस्मिति बुक फैन फिक्शन। आइडल एंड माफिया किंग फॉल इन लव विद सेम पर्सन किम, पार्ट थ्री स्टार्ट करने वाले होम। एंड बहुत सारे क्वेश्चन था कि मेरी हेल्थ कैसा है, पर ज़्यादा बुरा भी नहीं है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, और इसी वजह से मैं कभी कभार गायब हो जाता हूँ। एनीवे, तो फिर चले अब मेन स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जब कोरिया आता है, उसकी कुछ दिनों के बाद जंगको कुकी पर ज़्यादा ध्यान देने लगता है ताकि उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और उनकी लव मी अगेन सॉन्ग रिलीज हो जाता है, क्योंकि इससे भी प्रॉब्लम्स कम नहीं हुआ था। उसके बाद फिर से तंग के र्यूमर्स आने लगता है कि तंग जेनी के साथ एक ही रूम में अपनी नाइट को स्पेंड किया था, और वो लोग अपनी टाइम को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा है। तंग की तरफ से ऐसे तो कोई भी एक्शन नहीं था। जंगकुक को भी इस बारे में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जंगकुक को पता था कि ये सब कुछ फेक है, और जंगकुक इस बारे में क्या नहीं कर रहा था। पर कुकी जो वो इस बारे में कुछ जानता ही नहीं था, और जंगकुक भी यही चाहता था कि उसे इस बारे में कुछ पता भी ना चले, क्योंकि जंगकुक नहीं चाहता है कि उसके लिटिल माइंड में कुछ भी उल्टा सीधा चले जाए। पर जंगकुक को क्या पता था कि उसे इस बारे में कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। कुकी जब अपनी फिर से वही फ्रेंड के साथ फोन पर बातें कर रहा था, तब कुकी भी इसे देखने लगता है, क्योंकि जंगकुक के साथ बातें करना चाहता था, पर जंगकुक तो अपनी फ़ोन में ही बिजी था। इससे कुकी जंगकुक को अचानक से ही कहता है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया हो। इससे जंगकुक उसकी तरफ देखता है, फिर वो कहता है, मेरा गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी जंगकुक को फिर से कुकी कहता है, नहीं तुम गर्लफ्रेंड बना लिया हो, मैं पूरी तरह से राइट हूँ ना। इससे जंगकुक पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कहते हैं, नहीं मैं गर्लफ्रेंड नहीं बनाया हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है। तब कुकी तुरंत ही जंगकुक के फ़ोन को देखने की ट्राई करता है। फिर जंगकुक जो कहता है, तुम सच में अब बहुत ही ज़्यादा आगे सोच रहे हो, इस तरह की सोचना बंद करो। फिर कुकी कहते हैं, तो फिर मुझे अपना फ़ोन दिखाओ। जंगकुक कहते इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और इसके साथ जंगकुक अपने फ़ोन को लेकर चला जाता है। इसे देखकर कुकी अपने मन में कहता है, ज़रूर जंगकुक ने अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया है, और मुझे इस बारे में जानना ही होगा कि वो गर्ल कौन है। इसके साथ कुकी जो जंगकुक के आसपास घूमने लगता है, जंगकुक जो इससे थोड़ा से रिटेड हो जाता है कि कुकी इस तरह से उसके पीछे पीछे क्यों घूम रहा है, पर जंगकुक भी कुछ भी नहीं कहता है। जंगकुक जब अपने फ़ोन को टेबल पर रख कर वो किचन में जाता है, तब तुरंत ही कुकी जंगकुक के फ़ोन को चेक करता है, और वो देखता है जंगकुक की जो फ्रेंड था उसकी नेम की आईडी के ऊपर बिस्टी लिखा हुआ था, और उसके साथ पर्पल इमोजी भी दिया हुआ था। इसे देखकर तुरंत ही कुकी अपने आईब्रोज को रेस्ट कर लेता है, क्योंकि जंगकुक तो कभी भी ऐसा नहीं करता है। सिर्फ उसकी जो भी पर्सन क्लोज आ जाता है उसके साथ ही जंगकुक पर्पल इमोजी को ऐड करता है। तो कुकी अब 100% श्योर था कि यह पर्सन ज़रूर जंगकुक की गर्लफ्रेंड ही होगा, और इस वजह से तुरंत ही कुकी अपने फ़ोन को निकालता है, और वो इस बारे में अपनी फ्रेंड के साथ बातें करने लगता है, और वो हैप्पी होकर कहता है, फाइनली अब मेरी योंग शादी करने वाला है, मैं उन लोगों की शादी में एक पर्पल ग्राउन को पहनूंगा और मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करूंगा। इससे कुकी की फ्रेंड उसे कहता है, तुम क्यों इस बारे में सोच रहे हो, ऐसा क्यों नहीं सोचते हो कि तुम अगर उसकी ब्राइड बन गए तो। इससे कुकी कहता है, तुम मेरे साथ जोक मत करो, अब जोक करने की मेरे पास मूड नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। फाइनली जंगकुक अब शादी करने वाला है, मैं उन लोगों की बेबीज को देखने के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उसके फ्रेंड उसे बहुत ज़्यादा समझाने की ट्राई करता है कि आगे जाकर शायद कुकी के ही चांस है जंगकुक के साथ रहने की, पर कुकी उसकी इस बात को ध्यान ही नहीं देता है। कुकी अपनी फ्रेंड को कहता है, अब जंगकुक फिर से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बातें कर रहा है और फिर से फ़ोन लेकर बिजी हो गया है। इससे तुरंत ही कुकी की फ्रेंड को रियलाइज़ होता है, वेट वो भी तो अभी जंगकुक के साथ बातें कर रहा है, कहीं कुकी उसे तो जंगकुक की गर्लफ्रेंड नहीं सोच रहा है। फिर तुरंत ही जंगकुक से उसकी फ्रेंड पूछता है, वेट तुम किसके साथ बातें कर रहे हो। जंगकुक तुरंत ही आंसर करता है, मैं तो तुम्हारे साथ बातें कर रहा हूँ, एंड यू नो कुकी सोच रहा था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। इसके साथ जंगकुक हंसने लगता है। तब तुरंत ही जंगकुक उसकी फ्रेंड कहता है, तुम सच में मैड हो, तुम्हें पता है तुम्हारी लिटिल कुकी ये ड्रीम देख रहा है कि तुम्हारी शादी होगा, वो भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ, जो मुझे सोच रहा है कि मैं तुम्हारा गर्लफ्रेंड हूँ। लाइक सीरियसली, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब बन गया हूँ,
मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने की शौक नहीं है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ चाइल्ड भी देखना चाहता है। यू तुम्हारे साथ मैं कभी भी होप मत करना। तभी जंगकुक कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं होप करूँगा भी? अपनी लिमिट में रहो। तब जंगकुक की फ्रेंड कहता है, मैं मेरी लिमिट में हूँ, पर तुम्हें पहले कुकी की मिस अंडरस्टैंडिंग को ब्रोक करना होगा। अगर तुम नहीं किए तो फिर मुझे लगता है कि वो यही सोचता रहेगा। तब जंगकुक एक स्मार्क के साथ कहता है, ओ बेबी गर्ल, तो फिर क्यों ना हम लोग कुकी को थोड़ा सा टीज करें। इससे तुरंत ही जंगकुक की फ्रेंड फिर से कहता है, सुनो मैं ये सारी चीज में नहीं हूँ, तुम सिर्फ बंद करो ये सब कुछ। तभी जंगकुक फिर से कहता है, मैं क्यों बंद करूँ? मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरी कुकी मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। मैं चाहता हूँ कि वो जेलस फील करे। जब मेरा कुकी जेलस फील करेगा तभी तो मुझे पता चलेगा कि वो मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। अब तुम इस टॉपिक पर अगर मुझे हेल्प नहीं किए तो फिर मैं तुम्हें ब्लॉक करने वाला हूँ। इस सुनकर जंगकुक की फ्रेंड कहता है, ओके ठीक है। तब जंगकुक जो फिर कुकी को कहता है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ बातें करना चाहते थे ना, मेरी असिस्टेंट के साथ, और आकर बातें करो। कुकी तुरंत ही एक्साइटेड हो जाता है और कहते हैं, ये आपकी असिस्टेंट है, मैं कभी भी क्यों नहीं मिला हूँ? बाय द वे कॉन्स्टेबल असिस्टेंट है, क्या ये न्यू है? जंगकुक अपने गले को साफ करता है और कहते हैं, बातें करना था ना तो फिर बातें करो, और एक भी उल्टा सीधा क्वेश्चन मत पूछना। कुकी कुछ भी नहीं कहता है और वो तुरंत ही फोन लेकर अपनी फ्रेंड के साथ बातें करने लगता है, और उससे लग रहा था कि शायद यह जंगकुक की गर्लफ्रेंड होगा, पर कुकी तो इस बारे में पता ही नहीं था कि उसकी यह फ्रेंड जंगकुक की भी फ्रेंड था। फिर वो जंगकुक के बारे में पूछने लगता है कि वो लोग कहाँ पर मिला था। इसके आंसर जंगकुक की फ्रेंड ठीक ठाक से नहीं दे पाता है। जंगकुक जब इसे नोटिस करता है वो तुरंत ही अपने फ़ोन को छीन लेता है और कहते हैं, तुम ज़्यादा ही स्मार्ट बन रहे हो, तुम्हें क्यों उसके साथ इतना ज़्यादा बातें करना है? तभी कुकी जंगकुक को एक स्माइल के साथ कहता है, मुझे आपकी शादी को देखना है, और उसके साथ मैं आपकी शाल को भी देखना चाहता हूँ। इससे जंगकुक अपने मन में कहता है, मैं क्या करूँ, मैं इसके साथ शाल बनाने के बारे में सोच रहा था, और यह चाहता है कि मैं किसी और से शादी करूँ, और ये खुद मेरी शाल को देखना चाहता है। वाओ, क्या ही मैं पर्सन को मेरी लाइफ में सूस किया था, पर एनीवे आखिर में मेरा ही है। फिर जंगकुक एक स्माइल के साथ कहता है, अब तुम्हारे डाउट सब कुछ क्लियर हो गया है, अब दोबारा से मुझे डिस्टर्ब मत करना। और इसके साथ और वो जब लिविंग रूम में कुकी को सुनकर जाने ही वाला था, क्योंकि तभी ये जंगकुक को कहता है, मैं भी के पास जा रहा हूँ, मैं भी को भी इस बारे में बताऊँगा। और इसके साथ वो तुरंत ही दौड़ते हुए उनके रूम की तरफ चला जाता है। जंगकुक इसे नोटिस करके तुरंत ही दौड़ते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगता है और कहते, रुक जाओ, मत जाओ वहाँ पर, तुम उसे डिस्टर्ब करोगे। पर कुकी जंगकुक की बात को नहीं सुनता है और दौड़ते हुए तवंग के रूम में जाता है। पहुँचने के बाद वो तवंग को हेवीली ब्रीथ लेते हुए कहता है, जंगकुक ने अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया है। ये सुनकर ही तवंग एकदम से शॉक हो जाता है और अपने आईब्रोज स्ट्रेस करके जंगकुक और कुकी की तरफ देखता है। तुरंत ही जंगकुक नामे अपना सिर लाता है और कहते हैं, वो मेरा गर्लफ्रेंड नहीं था, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बातों पर ट्रस्ट करो। पर तुरंत ही कुकी आकर तो उनको कहता है, नहीं, जंगकुक ने सच में अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया है, और मैं श्योर हूँ कि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। मैं उसे देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, पर मुझे जंगकुक दिखाने के लिए राजी ही नहीं है, प्लीज़ उसे बताओ, मुझे भी दिखाए। तंग इससे एक लंबा सांस सुनता है और जंगकुक की तरफ देखते हुए वो पूछता है कि तुम क्या मुझे बता सकते हो कि एक्चुअली में क्या हो रहा है? जंगकुक तुरंत ही तंग के पास आता है और उसकी आड़ में उस पर करके कहता है, वो एक्चुअली में मैं मेरी फ्रेंड के साथ बातें कर रहा था, जिससे कुकी ने समझ लिया है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तंग फिर से कहता है, पर मुझे पता चला है कि तुम्हारी सच में गर्लफ्रेंड है, तो फिर बताओ कि वो पर्सन कौन है, मुझे भी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाओ। ये सुनकर जंगकुक कहते, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। पर तंग फिर से कहता है, तुम मुझे बता नहीं रहे हो, क्योंकि आई थिंक जंगकुक को पनिशमेंट की ज़रूरत है। इससे कुकी तुरंत ही कहता है, हाँ वो भी मुझे नहीं दिखा रहा है, मैं इस बारे में अम्मा को बताऊँगा। ये सुनकर जंगकुक तुरंत ही कहता है, प्लीज़ मेरी मॉम को मत बताना, वरना मेरी मॉम मुझे मार डालेगा। यह सुनकर तुरंत ही कुकी कहता है,
मैं क्या नहीं करता हूँ, मैं तो बताने जा रहा हूँ। और इसके साथ वो रूम से बाहर चला जाता है। जंगकुक तंग की तरफ देखता है और कहते, तुम उसे क्यों नहीं रोके हो? तंग हंसते हुए कहता है, मेरा क्या, इस बार तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम खुद ही उसे इस प्रॉब्लम को ओपन किया हो। तुम्हें क्यों अब अपनी फ्रेंड को इस बारे में बताना था कि तुम्हारी उस चश्मी गर्लफ्रेंड है, तुम खुद नहीं ये सब कुछ स्टार्ट किया हो, अब जाकर खुद ही फिनिश करो। ये सुनकर जंगकुक कहता है, तुम सच में बहुत ज़्यादा बदल गए हो, तुम ज़रूर उस जनी के साथ रहने लगे हो। ये सुनकर तंग हंसते हुए कहता है, तुम्हें भी पता है बेबी कि मैं उसके साथ नहीं हूँ और मुझे शायद इस बारे में प्रूफ देने की ज़रूरत भी नहीं होगा, क्योंकि जिस रात के बारे में वो लोग बातें कर रहा था उस रात तो मैं तुम्हारी और कुकी के साथ बिजी था, तो फिर ये कैसे हो सकता है? तो फिर आप इस बारे में सोचना बंद करो और जल्दी से जाकर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। जंगकुक पाउट करने लगता है। तंग कहते, पाउट मत करो, तुम ज़्यादा ही हॉट लगते हो। जंगकुक फिर से पाउट करते हुए कहता है, पर तुम बहुत ज़्यादा बुरा हो, दोबारा से मैं तुम्हारे साथ और बात नहीं करूँगा। और इसके साथ जंगकुक जल्दी से रूम से बाहर चला जाता है। वो जाकर देखता है सच में कुकी उसकी मॉम को सब कुछ बता रहा था। इसे देखकर जंगकुक तुरंत ही कुकी के पास से फ़ोन को छीन लेता है और तुरंत ही उसकी मॉम को कहता है, मॉम ये सब कुछ गलत है, वो आपको झूठ बोल रहा है। इससे मिस्टर जॉन दूसरी साइड से कहता है, तुम्हें पता है कि कुकी झूठ नहीं बोलता है, अगर तुम कुकी की टेक केयर नहीं कर सकते हो तो फिर उसे मेरे पास दे दो। ये सुनकर जंगकुक कहता है, आई एम सॉरी, दोबारा से मैं इस तरह की जोक भी नहीं करूँगा। तभी कुकी कहते, किस बारे में जोक, और मुझे जल्दी से फ़ोन को वापस करो। पर जंगकुक उसकी तरफ कोल्ली देखता है और कहता है, चुप रहो, मुझे बातें करने दो। और इसके साथ जंगकुक उसकी मॉम के साथ कामली बातें करने लगता है। मिस्टर जॉन फिर से जंगकुक को कहता है, तुम अपने लिमिट को क्रॉस मत करो, पहले तो तुम वर्क में बिजी रहते हो और उसके बाद तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह से अगर तुम कुकी की देखभाल करते रहोगे तो फिर तुम्हारे पास मैं उसे रखने दूंगा? कभी भी नहीं, अगर उसकी टेक केयर नहीं कर सकते हो चुपचाप उसे सिर्फ मेरे पास भेज दो। जंगकुक उस पर करके कहता है, दोबारा से ऐसा नहीं होगा, मैं सब कुछ ठीक ठाक से कंट्रोल करूँगा। मिसेस जॉन फिर से कहता है, मैं होप करूँगा, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जंगकुक इससे हूँ कह देता है और उसके बाद जंगकुक कॉल को कट कर देता है। फिर जंगकुक कुकी को कहता है, वो मेरा गर्लफ्रेंड नहीं था, बल्कि वो तो मेरी फ्रेंड था और वो एक बॉय है। ये सुनकर कुकी अपने आईब्रोस को रेस कर लेता है। फिर जंगकुक कहता है, सच में वो एक बॉय है? तब कुकी और कुछ भी नहीं कहता है। कुकी अपनी फ़ोन को लेकर चला जाता है और वो अपनी फ्रेंड के साथ फिर से बातें करने लगता है और उसे इस बारे में बताता है कि एक्चुअली में जिसे वो जंगकुक की गर्लफ्रेंड सोच रहा था वो तो एक मैन है। इससे तुरंत ही जंगकुक की वही फ्रेंड जंगकुक को मैसेज करता है और पूछता है, मैं क्या मैन हूँ? जंगकुक कहता है, नहीं तुम मैन नहीं हो, बट तुम सम सेकंड के लिए थे। जंगकुक को तुरंत ही वो गुस्से से कहता है, तुम्हें मैं मैन कौन से एंगल से लगता हूँ? तभी जंगकुक कहते हैं, तुम्हारी बोलने की स्टाइल एकदम मैन की तरह है, अब बातें करना बंद करो, मैं बस गया हूँ, यही चीज से तुम्हें हैप्पी फील करना चाहिए। इससे वो भी और कुछ भी नहीं कहता है। जंगकुक तंग और कुकी के बीच में सब कुछ ऐसे ही जाने लगता है। कुकी अब तंग से उतना ज़्यादा नहीं डरता है, पर फिर भी उसे अभी भी तंग से बहुत ज़्यादा डर है। और जंगकुक के साथ भी जो अभी भी वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज था। जंगकुक की 26th बर्थडे जब आ जाता है, उस दिन जंगकुक के घर में सब लोग ही आया था। जिन और जेहुक भी मिलिट्री से उस दिन ब्रेक लेकर जंगकुक की बर्थडे अटेंड करने के लिए आ गया था। सिर्फ कुकी, BTS मेंबर और जंगकुक के एल्डर ब्रदर था। जंगकुक की बर्थडे केक कट करने के बाद ही वो लोग एक दूसरे के ऊपर केक को फेंकने लगता है। सिर्फ वहाँ पर 2 पर्सन की फेस पर कोई भी केक को फेंक नहीं पाया था। पहला कुकी था और सेकंड जिन था, जो अपनी हैंडसम फेस को बचा रहा था। वो लोग एक दूसरे के ऊपर केक को फेंक कर जब पूरे केक को ख़त्म कर देता है, तब सब लोग बात लेने के लिए जाने वाला था। सब लोग जो शावर लेने के लिए सीरियल पर लगा हुआ था, तब जंगकुक जो तंग के हैंड को पकड़ता है और तंग को कहते हैं, हम दोनों एक साथ शावर लेंगे, इससे टाइम बच जाएगा। तंग तुरंत ही जंगकुक की तरफ देखता है। बीच में से कुकी तुरंत ही आकर पूछता है,
कि तुम दोनों एक साथ चाहो लोगे, तुम्हें क्या शेम नहीं है, तुम ह्योंग को देखना चाहते हो। इससे तुरंत ही जंगकुक कहता है, नो माई बेबी कुकी, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के हेल्प करेंगे। यू नो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो मेरी बैग को रफ करने में हेल्प करेगा सोप से। इससे तंग जंगकुक को पीछे से कहता है, ओ रियली? जंगकुक कहता है, हाँ मैं सच कह रहा हूँ कुकी, अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं है तो फिर तुम भी हम लोगों के साथ ज्वाइन दे सकते हो, मैं और भी दोनों ही मिलकर तुम्हारी बैग को रफ करने में हेल्प करेंगे। तो जंगकुक के आस पर एक स्लैप मारता है और उसे रुकने की इशारा करता है, पर जंगकुक कहता है, ओ इतना भी ज़्यादा खुद को कंट्रोल से बाहर मत निकाल दो, मुझे पता है कि तुम भी समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, अब अपने हैंड को कंट्रोल में रखो। कुकी तुम क्या हम लोगों के साथ ज्वाइन दोगे? तभी कुकी कहता है, नहीं मुझे नहीं देना ज्वाइन, मैं तो मेरे रूम के बाथरूम को यूज़ करूँगा, तुम लोगों को यहाँ पर लाइन पर खड़े रहना है तो फिर रहो। और इसके साथ कुकी वहाँ से चला जाता है। इससे तंग जंगकुक को कहता है, तुम सस्मिक शेमलेस हो। जंगकुक कहता है, सिर्फ तुम्हारे लिए और कुकी के लिए और सबके लिए ही। तंग एक लंबा सांस तोड़ता है और कहता है, सच में तुम एक दिन सबके ऊपर हेवी हो जाओगे। जंगकुक प्राउड करते हुए कहता है, जीवन जंगकुक ऑलरेडी वर्ल्ड पर हेवी है। ये सुनकर तंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। जंगकुक की बातों को सुनकर जो बाकी जो लोग बाथरूम के बाहर था वो लोग हंसने लगता है। फिर जब सबकी बात लेने एक एक करके ख़त्म हो जाता है, जंगकुक सच में तंग के साथ ही अंदर चला जाता है। तंग जो जंगकुक की तरफ नहीं देखता है, वो सब जब अपनी बात लेने लगता है और जंगकुक शावर ले रहा था। और जंगकुक तंग से शावर के नीचे से पूछता है, क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत है? तंग जंगकुक को कहता है, अपनी माउथ को बंद रखो। जंगकुक कहता है, नो मैं एकदम सीरियस हूँ, तुम्हें अगर मेरी ज़रूरत है तो फिर मुझे बता दो, मैं अगर तुम्हारे साथ बाथटब में जान दे सकता हूँ। तंग अपने गले को साफ करता है और कहता है, जीवन जंगकुक अपनी माउथ को बंद रख के अगर तुम शावर ठीक ठाक से नहीं लेना चाहते हो तो फिर यहाँ से बाहर जा सकते हो, तुम सच में अब फायर के साथ खेल रहे हो। जंगकुक कहता है, मैं फायर के साथ ही खेलता हूँ क्योंकि मैं जीवन जंगकुक हूँ। तंग जंगकुक को कहता है, नाइट तक वेट करो, उसके बाद तुम जीवन जंगकुक नहीं रहोगे। इससे जंगकुक किरवस होकर पूछता है, तो फिर मैं क्या हो जाऊँगा, कि मैं जीवन जंगकुक से चेंज हो जाऊँगा? तंग जंगकुक को कहता है, क्योंकि जीवन जंगकुक तुम तब बेबी डॉल में बदल जाओगे, अब अपनी माउथ को सिर्फ बंद रखो। जंगकुक तुरंत ही कहता है, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, नाइट के लिए मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ। ये सुनकर तंग जो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है, उसके माइंड में कुछ और चल रहा था। जंगकुक इसे नोटिस करता है। जंगकुक भी और तंग को डिस्टर्ब नहीं करता है। शाम के टाइम पर वो सब लोग मिलकर एक साथ रेस्टोरेंट में जाता है। वो लोग रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद जंगकुक थोड़ा सा फोन को लेकर बिजी हो जाता है और किसी को कॉल करने की ट्राई करता है, पर वो पर्सन कॉल को नहीं उठाता है। इससे जंगकुक अपने फ़ोन को साइड में रख देता है। उसके बाद जंगकुक कुकी को फूड सर्व करने लगता है। इससे कुकी अचानक से ही जंगकुक की पैर पर किक करता है। इससे जंगकुक उसकी तरफ अपनी कोल्ड आइस के साथ देखता है। कुकी तुरंत ही उससे कहता है, मुझे फूड सर्व मत करो, ये बहुत ही ज़्यादा है मेरे लिए। जंगकुक इस तरह कुकी को फूड सर्व नहीं करता है। कुकी को जो मना रहा था वो उतना ही फूड को खा लेता है। फिर वो लोग जब रेस्टोरेंट से बाहर की तरफ जा रहा था, उस टाइम पर जंगकुक की कुछ फैन जो उसके साथ मिलता है, वो लोग जंगकुक के साथ कुछ फोटोज को क्लिक करने लगता है। और कुकी जो तंग के पीछे छुप गया था, इससे वो लोग जब तंग और बाकी मेम्बर्स से भी पिक की डिमांड करने लगता है, तब वो लोग जेंटली मना कर देता है क्योंकि वो लोग एक साथ बाहर है, इस बारे में वो लोग किसी को जानने देना नहीं चाहता है। इससे वो लोग भी और कोई भी डिमांड नहीं करता है और सिचुएशन को वो लोग समझ पाता है। फिर वो लोग जब घर में आता है, तब जंगकुक आर्मी स्केल लाइफ को अटेंड करता है, जहाँ पर जिन ड्रंक होकर अचानक से जंगकुक की लाइफ के अंदर आ जाता है, जिसे देखकर जंगकुक अच्छी तरह से सबको हैंडल कर लेता है। और कुकी जो उस टाइम पर तंग के साथ था, तंग खुद भी जो ड्रंक हो गया था, और वो कुकी को अपने पास खींच लेता है। इससे कुकी जो थोड़ा सा शॉक हो जाता है,
ताओंग कुकी को अपने लैप पर बैठाते हुए उसकी शोल्डर पर अपनी चिन को रखते हुए उसकी निक की स्मेल को इनहेल करने लगता है। इससे कुकी इरिटेट होकर कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, मैं क्या कोई परफ्यूम हूँ कि तुम इस तरह से मेरी स्मेल को ले रहे हो, मेरे पास से अभी हट जाओ। और इसके साथ कुकी तंग को अपने पास से खुद को अलग करने की ट्राई करता है, पर तंग जो कुकी को अपनी डीप वॉइस में कहता है तुम्हारी स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यह सुनकर कुकी तुरंत ही कहता है क्योंकि मैं कोई भी डस्टबिन की डस्ट नहीं हूँ कि मेरी स्मेल बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। इससे तंग हंसते हुए कहता है हाँ तुम मेरी ब्यूटीफुल बेबी हो। ये सुनकर कुकी फिर से गुस्से में आ जाता है और कहता है मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ। तंग अपने डंक हालत में कहता है तुम हो ब्यूटीफुल। इससे कुकी फिर से रेड हो जाता है और कहते सिर्फ मुझे तुम फ्री करो। तंग तभी कुकी की निक पर एक किस करता है। इससे कुकी और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और तंग की सिस पर बार बार स्लैप मारने लगता है और ओम तंग के पास से बार बार फ्री होने की ट्राई करता है। इससे बाकी मेम्बर्स भी देखता है जो कि अपनी काम वॉइस में कहता है तंग आई थिंक तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए, तुम एक बेबी को हैरेस कर रही हो। इससे तंग शुगर की तरफ एक बार देखता है पर उसे इग्नोर कर देता है। फिर जिमिन कहता है चुप करो, सिर्फ रियल लाइफ ड्रामा को एंजॉय करो। पर जंगकुक जब लाइव को एंड करके रूम के अंदर आता है, वो आने के बाद तंग और कुकी को इस हालत में देखकर गुस्से से कहता है तुम दोनों ने मुझे क्यों इनवाइट नहीं किया था, तुम यहाँ पर अकेले ही इंजॉय कर रहे हो। तंग मैं तुमसे एक्सपेक्टेशन नहीं किया था। तंग जंगकुक की बातों का भी कोई आंसर नहीं करता है बल्कि वो कुकी की स्मेल को डीपली इनहेल करने में बिजी था। जंगकुक तुरंत ही तंग और कुकी के पास आता है और तुरंत ही तंग की हैंड को हटा देता है और कुकी को बार स्टाइल में कदम उठा लेता है और उसे लेकर रूम की तरफ जाने लगता है। तंग भी अपनी सीट से उठ जाता है और जंगकुक और कुकी को फॉलो करते हुए तंग की रूम की तरफ चला जाता है। तब जिमिन अपने काम वॉइस में कहता है आई थिंक आज नाइट बहुत ही ज़्यादा लंबा जाने वाला है। तभी शुगर बीस में कहता है नाइट लंबा नहीं शॉर्ट जाने वाला है। यह सुनकर जिमिन उसकी तरफ देखता है, योंगी कोई भी रिस्पांस नहीं करता है। जंगकुक कुकी को बेड पर लेटा देता है और कुकी के ऊपर आ जाता है। इससे कुकी फिर से गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहते तुम दोनों के बीच में एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, तुम दोनों इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हो। फिर कुकी को जंगकुक अपनी डीप वॉइस में कहता है कुछ नहीं बेबी बस ऐसे ही, क्या हम लोग कुछ गेम्स खेल सकते हैं। इससे तुरंत ही कुकी कहता है मैं स्लीपी हूँ मुझे कुछ भी नहीं खेलना है, मेरे ऊपर से हट जाओ। और इसके साथ वो जंगकुक को भी हटाने की ट्राई करता है खुद के ऊपर से, पर वहाँ पर फिर तंग आ जाता है और वो कुकी के साइड पर लेटते हुए जंगकुक की तरफ देखकर कहता है क्या मैं भी कुकी के ऊपर आ सकता हूँ। इससे जंगकुक कहता है तुम अपने डंक हालात में हो माय डैडी। इससे तंग उसकी तरफ देखता है और कहते यहाँ पर कुकी है अब मुझे टीज मत करो। ये सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है। फिर कुकी कहते हैं मेरे ऊपर से हट जाओ वरना मैं सच में तुम्हारी मॉम को कॉल करके सब कुछ बता दूंगा। इस सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस लेता है और कहते हमेशा क्यों बीच में मॉम को लेकर आते हो, मैं मॉम से नहीं डरता हूँ। तभी कुकी कहता है ठीक है मैं जोंगहियोंग को कॉल करूंगा और उसके बाद मैं देखता हूँ कि तुम कैसे इस तरह की हरकतें कर पाते हो, अब मेरे ऊपर हटते हो या फिर मैं अभी जाकर कॉल करूँ। जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है पर बेबी तुम्हें तो कॉल करने के लिए फ्री भी होना पड़ेगा। फिर कुकी तुरंत उसे याद दिलाते हुए कहता है भूल मत जाओ कि जोंगहियोंग यहाँ पर ही है तो फिर मुझे फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक फिर से कहता है और रूम भी साउंड प्रूफ है, जितना ज़्यादा चिल्लाना चाहते हो चिल्ला सकते हो। इससे कुकी उसकी तरफ फिर से गुस्से से देखता है और फिर वो कहता है तुम मुझे फ्री नहीं करोगे। जंगकुक कहता है नहीं। फिर कुकी कहते हैं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे सिर्फ फ्री करो। जंगकुक कहते पहले मेरे साथ गेम खेलो। तंग भी जो उठकर बैठ जाता है और कहता है मैं जंगकुक के साथ हूँ। तब कुकी एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है ओके मुझे क्या गेम खेलना पड़ेगा। जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है चलो हम ट्रूथ और डेयर खेलते हैं। इससे कुकी कहते ठीक है अब मुझे उठने दो। फिर जंगकुक कुकी को फ्री कर देता है, कुकी बैठ जाता है। फिर जंगकुक कहते पहले किसकी बारी है, कुकी कहता है मेरा। इससे जंगकुक स्मार्ट करते हुए कहता है ट्रूथ और डेयर।
मुझे पता है कि कुकी बहुत ही ज़्यादा डरता है, इसी वजह से वो ट्रूथ को ही चूज करने वाला है। इससे कुकी गुस्से से कहता है डियर, तभी जंगू को एक स्मार्ट करता है और जंगू कहता है हम दोनों को किस करो। ये सुनकर कुकी शॉक हो जाता है और कहता है ऐसा क्यों। जंगू तुरंत ही कहता है ऐसा तो नहीं है कि तुम पहले हम दोनों को किस नहीं किए थे। आम राइट तोंग तोंग भी जो हमें अपना सर हिलाता है, वो बहुत ही मुश्किल से अभी भी अपना आइस को पेन करके रखा था। इसे देखकर जंगू अपने मन में कहता है आज शायद ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया है। फिर कुकी जो थोड़ा सा घबराने लगता है, फिर जंगू तुरंत ही कुकी की हैंड को पकड़ लेता है और अपने पास खींच लेता है और उसके लिप्स अपने लिप्स के साथ लॉक कर लेता है। इससे कुकी जो थोड़ा सा शॉक था पर वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। जंगू कुकी को सॉफ्टली किस करने लगता है और सोले सोले उसे बेड पर लेटा देता है और उसे एग्रेसिवली किस करना स्टार्ट करता है। उसके बॉटम लिप्स को बाइट करने लगता है और डीपली किस करने लगता है। कुछ देर के बाद जंगू कुकी को छोड़ देता है और वो कुकी के ऊपर सूट जाता है। तब कुकी जब उठने वाला था तभी तो उसके ऊपर आ जाता है। इससे कुकी पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो, पर तोंग आंसर करता है अब मेरा टर्न था। और इसके साथ तोंग जो कुकी को उसके बाद वो भी डीपली और एग्रेसिवली किस करने लगता है। कुकी जो फिर से शांत था पर उसे अब ब्रीथ लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, पर तोंग इसे नोटिस नहीं करता है। वो अभी भी कुकी को डीप और एग्रेसिवली किस कर रहा था, पर अचानक से ही तोंग कुकी की लिप्स को छोड़ देता है और उसकी शोल्डर पर गिर जाता है। इससे कुकी कॉन्फ्यूज हो जाता है। जंगू भी इसे नोटिस करता है और जंगू हंसते हुए कहता है माय पुअर भी यूंग सो गया है। और इसके साथ जंगू तोंग को साइड करता है और फिर वो कुकी की दूसरी साइड पर लेट जाता है। इससे कुकी कहता है मुझे तुम दोनों के साथ नहीं सोना है। पर तोंग जो सोने की हालत में भी कुकी की वॉइस कैन अपने हैंड को ग्रैप करके रखा था और जंगू भी। इससे कुकी कहता है मुझे उठने दो। जंगू कहता है अगर तुम उठने के ट्राई किए तो फिर मैं तंग उठा दूंगा और वो अगर उठ गया तो फिर वो तुम्हें फिर से किस करना स्टार्ट करेगा और उसके साथ मैं भी। और अगर तुम फिर से नहीं चाहते हो कि हम दोनों तुम किस करें तो फिर अब चुपचाप लेटे रहो हम लोगों के साथ, वरना इससे भी ज़्यादा आगे चला जाएगा। इससे कुकी शांत हो जाता है और एक भी वर्ड तक नहीं कहता है। जंगू किसे देख कर स्मार्ट करता है और कहता है अब अपनी इस स्मॉल ब्रेन में ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए चुपचाप सोच जाओगे ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। क्या तुम अपने आइस को बंद करने वाले हो या फिर नहीं। कुकी तुरंत ही अपने आइस को बंद कर लेता है और कुकी जो कुछ देर के बाद ही सो जाता है। और जंगू जब इसे नोटिस करते हुए स्माइल करता है और नींद में तोंग को हक कर लेता है। इसे देखकर जंगू जो स्माइल करते हुए पीछे से कुकी को हक करके रखता है और वो तीनों ही एक दूसरे को हक करके ऐसे ही सो जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।